देश में फिर एक बार कोरोना वायरस डराने लगा है। कोरोना के मामलों में हर रोज तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है। बता दें कि देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक दिन पहले 13,313 कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए थे। इसका मतलब देश में एक दिन के भीतर 4,000 से ज्यादा मामले बढ़े हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 10 जून के बाद 12 राज्यों में कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ी है। इसमें महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, गुजरात, गोवा, पंजाब में साप्ताहिक मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। देश में एक्टिव केसों की संख्या 88,284 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सबसे ज्यादा मामले राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं। बात राजधानी दिल्ली की करें तो दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,934 नए मामले सामने आए हैं और पॉजिटिव रेट 8% के पार पहुंच गया है। तो वही महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 5,218 तक पहुंच गया है। बता दें कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमण के 2,479 मामले दर्ज किए गए, लेकिन राहत की बात ये रही कि कोरोना के मामलों में इजाफा तो हो रहा है लेकिन मौत का ग्राफ नहीं बढ़ रहा है। एक तरफ दिल्ली में पिछले 24 घंटे में किसी ने भी जान नहीं गंवाई है तो महाराष्ट्र में भी सिर्फ एक शख्स की मौत हुई है। इस समय दिल्ली, महाराष्ट्र के अलावा केरल और यूपी में भी कोरोना मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इन सभी राज्यों में कोरोना की बढ़ती संक्रमण दर ने सभी को चिंता में डाल दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कोरोना संक्रमण की निगरानी और जीनोम सीक्वेंसिंग पर ध्यान केंद्रित करने पर निर्देश दिए। उन्होंने ज्यादा मामले वाले राज्यों में बूस्टर डोज लगाने में तेज गति से काम करने पर जोर दिया। देश में अब तक 196 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है और बूस्टर डोज लगाने का काम चल रहा है। हमें समझना होगा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसीलिए लापरवाही ना बरते, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें।